जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो इसमें क्या देखा जाता है, जनसंख्या घनत्व में जितने भी व्यक्ति है किसी देश के कितने हैं कुल, और उसमें उस देश का क्षेत्रफल कितना है, तो उसको उसको हम जब भाग देंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा जनसंख्या घनत्व निकल कर आएगा। चलो देखते हैं, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी जो हमारा भारत है, जैसे ये भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है ये सारा। उसके बाद में हमारे जो द्वीप है छोटे छोटे, ये यहाँ पर भी द्वीप पड़ते हैं, उसका जो क्षेत्रफल सारा है उसको हम डिवाइड करेंगे यानी कुल जनसंख्या दें, तो हमारा ये आएगा 324 और 382। जो 324 है ये है 2001 की जनगणना के अनुसार, और जो 382 है ये है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार। कई बार क्या होता है, जो 2001 की जनगणना है उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो वो पूछ लिया जाता है, या फिर 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूछा जाता है। अब इसको हम दो प्रकार होते हैं इसकी जनसंख्या घनत्व निकालने के, और इसको हम दो प्रकार से, मुख्य दो प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला क्या है, अंकगणितीय या गणितीय है, अंकगणितीय घनत्व से क्या अभिप्राय है, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है। तो इसमें क्या है, किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का गणितीय या अंकगणितीय घनत्व कहा जाता है, यानी ये भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है टोटल और कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या और उसके बाद में कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें क्या है, देखो पहले हम करेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या कितनी थी और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है हमारा वो कम नहीं होगा। तो इसमें देखो अंकगणितीय घनत्व में कुल जनसंख्या यानी 2001 के अनुसार 102 करोड़ थी, और कुल क्षेत्रफल 31.7 हमने लिया है, या 31.7 इसलिए लिया है क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु यहाँ 31 इसलिए लिया है क्योंकि ये जो चीन के पास में हमारा कुछ क्षेत्र पड़ता है, और फिर पाक अधिकृत कश्मीर है वो क्षेत्र हमने निकाल दिया, तो ये क्षेत्र आएगा 31.7। उसको टोटल जनसंख्या से हम करेंगे तो ये आएगा 324 प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारी 2000 जनगणना एक के अनुसार है। उसके बाद में 2011 के निकालेंगे तो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, 2001 में जनसंख्या 102 थी और 2011 में हमारी जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई है, जो हमारा क्षेत्रफल है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में अब अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार वो आएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर।